हेलो एवरीवन वेलकम टू फिल्मी चाणक्य जैसा कि आप जानते हैं एक दिन बच्ची की मां ने आके अपना स्टेटमेंट इशू किया पर उसके बाद से वो फिर से खामोश हो गई और वहीं दूसरी तरफ जो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है उनकी तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स इशू किए जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि वो और उनका पूरा परिवार क्या सोचता है पोलवी पुरी केस के बारे में वो सारे डिटेल्स रिलीज़ किए जा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं पोलवी पुरी को पाँच साल की बच्ची का रेप और छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और ये केस काफ़ी ज़्यादा पेचीदा और सीरियस होते जा रहा है ये केस इतना ऑफेंसिव होता जा रहा है कि ये केस लगभग नॉन बेलेबल हो चुका है जिसकी वजह से पलवी पुरी को बेल भी नहीं मिल पा रही है और जो एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से जो स्टेटमेंट इशू किया गया है वो है डियर ऑल एज वी एक्सटेंडेड फैमिली वुड लाइक टू लेट यू नो ऑल अबाउट दैट शी हैज़ बीन इन अ एक्सट्रीमली टॉक्सिक मैरिज फॉर टेन ईयर्स एंड डज नॉट हैव हर डॉटर्स ऑल्सो सिंस टू ईयर वी इंक्लूडिंग सपोर्ट पर्ल वी पुरी एंड होप दैट जस्टिस इज आउट सून अब जो सेकेंड स्टेटमेंट जो उन्होंने इशू किया है उसमें यह लिखा है मदर हैज बीन फाइटिंग फॉर हर डॉटर कस्टडी फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड हर हजबेंड क्रिएट्स दिस होल मेस एंड ब्लेम गेम एंड इवेंचुअली फाइंडस अ डिविजियस वे ऑफ डैमेजिंग रेप्यूटेशन इन फ्रंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम सो दैट शी डज नॉट गेट द कस्टडी ऑफ हर चाइल्ड दिस वन ऑफ द चीपेस्ट स्क्रीन प्ले एवर रिटर्न बाय हर हजबेंड वी डेफिनेटली बिलीव डेट इवेंचुअली द ट्रूथ वी प्रिवील पर हैप्स नाउ मदर हैज़ नीडेड मच सपोर्ट एज पर डिजर्व तो ये थे जो दो स्टेटमेंट्स जिनके एक्सटेंडेड फैमिली ने रिलीज करा है इशू करा है जिसमें साफ साफ ये पता चल रहा है कि ये सारा जो ब्लेम गेम है जो वो क्रिएट किया गया है वो उनके फ़ादर के द्वारा क्रिएट किया गया है क्योंकि उनको बच्ची की कस्टडी नहीं मिल पा रही थी उस वजह से और उनकी जो मदर हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी और तभी ये उनके फ़ादर के द्वारा सारा ब्लेम गेम क्रिएट किया गया आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी बॉलीवुड न्यूज़ बॉलीवुड गॉसिप्स और इंटरव्यूज़ के लिए